में खास मुलाकात आज ऐसे ग्राम प्रधान से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। एक सपना था, मुझे आर्मी में जाना है, पूरा परिवार ही आर्मी में था। 1991 का वो दौर जब रुड़की में भर्ती आती है और ये उस समय वहां पर भर्ती देखने के लिए जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर 2008 में रिटायरमेंट हो जाती है, अपने गांव आते हैं, उसके बाद ग्राम प्रधान के पद पर आसीन हो जाते हैं। गाजीपुर जिले के बहुचर्चित, लोकप्रिय और मैं कहूं समाज में हर वर्ग के चहेते राजेश सिंह जी के साथ। राजेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद, मैं आप लोग का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग हमारी बातों को बोलने का मौका दिए, धन्यवाद। अगर राजेश जी मैं आपसे जान पाऊं, सबसे पहले इतने सरल व्यक्तित्व और जैसे एकदम जो आपका रहन सहन है देखकर क्या इसी तरीके से रहते हैं आप? जी, मैं जब फौज में भर्ती हो गया था उसके बाद घर भी आता था, उस समय भी मेरा सिस्टम यही था। मैं जैसे पहले था, आज से 10 साल पहले, अभी मैं को 2.5 साल हो गया प्रधान बने हुए, तभी भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आता है और ऐसा नहीं लगता है कि हमको पैंट पहनना चाहिए चाहे कुछ भी पहनना चाहिए। जो सिंपल तरीका है जैसे हम पहले रहते थे, मैं उसको बदलना चाहता भी नहीं हूँ कभी किसी कीमत पे, कि जैसा मेरा जो स्वभाव था वैसा ही रहे। लोगों में बदलाव हो जाता है नहीं, पद पर आने का वो पद है, आज हमारे ग्रामवासी हमको पद दिए हैं, वो कल नहीं रहेगा उसको। तो एक आदमी का जो सिस्टम होता है कि भाई जैसे मेरे को रहना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए, मेरी जो औकात है, जैसे मतलब जो करने कार्य करने की क्षमता है, समाज की सेवा करना हम करेंगे, वो भले ही प्रधान रहे न रहे। इसलिए मैं अपने व्यक्तित्व में कोई बदलाव करना चाहता ही नहीं हूं कभी किसी की। दोस्तों जो बात इन्होंने बताई, दोस्तों अपने में बदलाव मैं नहीं कर सकता, आज मैं प्रधान हूं कल मैं नहीं रहूंगा, मगर गांव का विकास हमारे लिए सर्वोपरि है। एक वो दौर था जब आप भर्ती हो जाते हैं, काफी यंग थे उस समय, जब 91 में एक नवयुवक राजेश भर्ती हो जाता है, उस समय कोई ऐसा सपना था यार कभी गांव का ऐसा सपना कि मैं प्रधान बनूं? नहीं, हम जब भर्ती हुए थे उससे पहले भी सोशल काम करते रहते थे हम लोग। पीजी कॉलेज में हम एडमिशन लिए थे लेकिन मतलब तुरंत भर्ती हो गया हम, इसलिए वहां पढ़ नहीं पाए हम। और जब सेना में भी गए तो हमारा शुद्ध रूप से एक ही लक्ष्य था कि सबका साथ लेके चला जाए, क्योंकि फौज में हमको सिखाया जाता है कि एक थाली में ही सबको खाना है और एक जगह पे ही सबको रहना है। वहां कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई हरिजन, कोई कुछ नहीं, तमिल का कोई भी कहीं का रहे, सब लोग साथ रह के रहते हैं। तो मेरा सपना वही था कि हम लोग सब साथ रहें, साथ साथ खेलें, साथ कूदें, साथ रहें, यही मेरा सपना था शुरू से लेकर लास्ट तक, आज भी यही है। और सभी लोग साथ गांव के प्रधान बने हैं तो वही चीजें जो आर्मी में थी वो अनुशासन, इन्हें की यार वो फलाना बिरादरी के हैं तो नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरे लिए जो वोट हमको दिया न दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, और मेरा फिक्स सिद्धांत था पहले से भी अभी भी कि जो हमको दिया वो भी हमारे गांव का है, उनका भी हमको काम करना है, जो नहीं दिया उनका भी हमको काम करना है। इसी की वजह से अनुशासन के हिसाब से हमको काम करना है। जो भी जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, अभी हमारे पास आ गया है डिजिटल की हम अंगूठा लगाएंगे तभी हाजिरी लगेगी, मैं आपको डायरी अपना दिखा सकता हूँ कि जिस दिन से मैं चार्ज लिया हूँ उस दिन से उनका 8:03 पे आते हैं, तो 8:03 पे उनकी हाजिरी लगती है, 2:03 बजाएंगे तो 2:03 वही खुद लिख के अपने आप जाएंगे कि हम जा रहे हैं, उसमें कोई और टाइम से आना है, टाइम से जाना है, टाइम से काम करना है। मेरी समय के हर समय मतलब ध्यान में रख के मैं काम करता हूँ जो भी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ राजेश जी कि अगर खालिसपुर में काम करना है तो समय पे काम करना है, नहीं तो यहाँ से आपके लिए दरवाजे बंद है। जी, हमारे पास अभी फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बता रहा था कि जैसे हम जब शुरू में चार्ज लिए तो हमारे पास सफाई कर्मचारी लोग चार थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग भाग गए यहाँ से, मतलब भाग गए मतलब कि चले गए लोग पोस्टिंग करा के, कि भाई इनको काम, हाँ नहीं नहीं रगड़ा भी नहीं, काम चाहिए, काम चाहिए, रगड़ा नहीं, अपना स्वेच्छा से काम करें, वो बेचारे काम 2.5-3 घंटा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास है जो हमारे मित्र हैं जो गाँव की सफाई करते हैं, मैं उनको 26 जनवरी को सबका सम्मान किया इसी की वजह से कि भाई वो उनका उत्साह बढ़ता रहेगा आराम से, और इतना बढ़िया काम करते हैं जो हमारे पास इस समय 3 सफाई कर्मचारी हैं कि पूछना नहीं है, समझ लीजिए सर, उन्हीं की वजह से मेरा गांव साफ रहता है, उन्हीं की वजह से मेरे पास एक ऐसा चीज है कि जो मैं समझ लेता हूं कि मेरे पास 3 बल है, अगर कोई काम रहता है बेचारों को कहेंगे तुरंत काम करेंगे वो लोग, इसलिए बहुत बढ़िया है समूह। अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं, जब मैं
बगल के जो गांव है, खालिसपुर के बगल के जितने भी गांव हैं, लगातार मैं वीडियो लाता हूं। मैं उन प्रधानों के पास गया तो उन प्रधानों ने मुझसे कहा कि सुशील भाई आप मेरे यहाँ पे आए हैं, लेकिन लोगों ने कहा सुशील भाई आप मेरे यहाँ आए हो लेकिन खालिसपुर में कोई राजेश सिंह है वहां पर, उनके विकास को देखें। और दोस्तों मैं बता दूं, ये पहले ऐसे ग्राम प्रधान है जिन्होंने डंकी की चोट पे कहा कि सुशील भाई आप मेरे यहाँ आए हो, आपका स्वागत है, पहले गांव के लोगों से आप जाके पूछ लो कि मैंने काम क्या किया है। अब ये मैं बताऊं, जो ईमानदारी है आपकी, जो कर्मठता है, जो निस्वार्थ सेवा है, ये संस्कार मिले कैसे आपको? सर मेरे फादर फौज में थे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा जो हैं वो भी फौज में थे, और उनकी ईमानदारी पूरे गांव में पता है। मतलब सर कि दो चीज हम लोग की है, क्वालिटी दो ही है हमारे पास, एक जुबान और एक ईमानदारी। अगर हम जुबान दे दिए कि हाँ भाई, और जो सही रहेगा उसी को सही बोलेंगे, प्रधान हमको बनाए हैं गांव वाले लोग दो चीज देख के, कि ये कभी भी किसी का मुंह देख के नहीं बोलते हैं। अगर ये बात सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, और भले ही हमको कोई वोट दे ना दे हमसे उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। हमारा सिद्धांत है जो सही है वही सही है बस। अगर मैं आपसे जानूं, जो भी काम आपने किए ढाई सालों में गांव में, कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर चुके हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि अभी अधूरे हैं, लोगों को बताएं। सर जिस दिन हम लोग बने थे उस दिन का सिद्धांत है हमारा कि आज से लेके 5 साल खालिसपुर गांव में किसी कीमत पे काम बंद नहीं होना चाहिए। और उसमें मैं आज बताने में मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि जिला से भी मेरे को इतना सहयोग मिलता है, और जिला में ब्लॉक में सबको पता है कि अगर कुछ भी काम कराना है, कुछ भी काम है, अगर कोई योजना आती है तो प्रधान जी को फोन करिए, वो मना कर ही नहीं सकते हैं कि हमको करना है कि नहीं करना है, जमीन उपलब्ध कराना है कि नहीं कराना है, कराएंगे। जिस दिन हम लोग सर चार्ज लिए उसी दिन से हमारा काम शुरू है। आज के डेट में हम लोग लगभग करीब 3 किलोमीटर इंटरलॉकिंग करा चुके हैं हम लोग, उसी तरह करीब 1 किलोमीटर तक नाली और ढक्कन लगवा दिए, खड़ंजा लगवा दिए सर, RRC सेंटर हमारा एकदम नंबर 1 का बन के तैयार है, पक्का कूड़ादान 3-4 बन के तैयार है, खाद गट्ठा सर बन के तैयार है, सोप पीट बनवाए हैं हम अलग से, मतलब हर जगह हैंडपाइप का जो प्लेटफार्म है वो बनवाया गया है, और अलग से काम क्या कराया गया है सर, कुछ प्रस्तावित भी, हाँ अलग से काम हमारा है, आयुर्वेद हॉस्पिटल हमारा बन के खालिसपुर में तैयार है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है लगभग, वो भी तैयार है सर। अब प्रस्तावित कामों में 2 चीज बाकी है हमारे पास, जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो भी प्रस्ताव पास है, क्योंकि जो कार्य योजना अधिकारी है पंडित जी गाजीपुर के, इतना बढ़िया आदमी है कि हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसे अगर अधिकारी सब जगह पे हो तो काम कहीं रुकता ही नहीं है। उनका नाम अगर मैं जानना चाहूंगा, क्या पंडित जी का क्या नाम है उनका, कार्य योजना अधिकारी नाम का नाम तो हमको पता नहीं है, पंडित जी हैं उनका उनका, लेकिन मैं यही जानता हूं कि उनसे बढ़िया कोई नहीं है। दोस्तों गाजीपुर जिले में बहुत सारे बड़े बड़े गांव हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे सबसे बेहतर जो लगा गाजीपुर में, हर रोज मैं ग्राम प्रधानों के वीडियो में आपको ला रहा हूं, मुझे यहां पर अच्छा ये लगा राजेश जी का, पहले तो स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के बाद आयुर्वेद हॉस्पिटल, मतलब जब मैं वहां पे जा रहा था दोस्तों, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लोग वहां पे काम भी कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं राजेश जी, आने वाले समय में विधवा पेंशन भी आपने करवाए? जी सर, हमारे पास जो भी उसके पात्र हैं कभी भी आते हैं, हमारे पास फाइल पड़ा हुआ है पूरा, इसीलिए ऑफिस बना हुआ है हमारा जी। तलिया पे एक हमारा ऑफिस अलग से है, और पंचायत भवन पे जो मेरा पंचायत सहायक है सौरव सिंह, वो 10 से 4 बैठते हैं, वहीं पे हमारा शौचालय है, हर समय वो जो खुलने का टाइम है 5 से 10 खुलेगा, शाम को भी खुलेगा, वो बंद कभी नहीं रहता उसमें जब खुलने का टाइम है उसका। तो वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन वहीं से करते हैं, और हम करीब 60-70 हम लोग बनवा चुके हैं, मतलब जो भी पात्र है जहां भी आएगा कहीं नहीं जाना है उसको, आय प्रमाण पत्र हम बनवाएंगे उनका, 30 रुपया उनका फीस है, मतलब जो लगता है वहां पे सभी कुछ, 100 रुपया में बेचारे उनका सब कुछ बनता है सर। जिनका PM किसान निधि नहीं आता है, हमको लग रहा है महीने में एक बार है BKG जो कृषि विभाग को देखते हैं, वो आके देखेंगे काम, वो अपना काम करते हैं सब, सभी लोग पंचायत भवन से काम करते हैं वहां। मैंने सुना है खिलाड़ी के तौर पे भी आप काफी अच्छे रहे, काफी नेशनल भी खेले, और दोस्तों जो इनका बेटा है वो इस समय काशी हिंदू विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से इस समय पढ़ रहा है, इनकी एक बिटिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसने अपनी पूरी पढ़ाई की, MBA किया, बेटा MPH कर रहा है। राजेश जी अगर मैं आपसे जानूं, खिलाड़ी के तौर पे भी काफी आप अच्छे और परिपक्व रहे, कौन से खिलाड़ियों को आप दिल के सबसे करीब मानते? सर एक्चुअल में मेरा गेम जो है हॉकी था,
और कबड्डी था। जब मैं फौज में भर्ती था उस समय जब खेल रहा था तो मेरे कबड्डी के जो कोच थे सुखविंदर सिंह साहब, वो एशियाड टीम के 3 बार कैप्टन थे, वो मेरे कोच थे सर। और कबड्डी मेरे बहुत दिल के करीब था। आज के डेट में तो अभी सब लोग क्रिकेट ही देख रहे हैं मतलब, लेकिन मेरे गांव में जो गेम की भी बता रहे हैं स्थिति क्या है, मेरे गांव में गेम की स्थिति यह है कि अगर कोई लड़का कहीं भी खेलने जाए, कहीं भी आप गांव में जाके पूछ सकते हैं उसको, कहीं भी खेलने जाएगा लड़का ना, अगर हमको बताएगा कि भैया गाड़ी चाहिए हमको, गाड़ी देंगे उसको, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो तेल का पैसा देंगे उनको, और कहीं से भी कभी भी, मैं एक बार और इंटरव्यू हुआ था तो बताया था इसके बारे में, कभी भी अगर वो लड़का फर्स्ट आता है वहां से तो उसको 2100 रुपया दूंगा। 2008 से चल रहा है, फर्स्ट आएगा तो 2100 रुपया दूंगा, सेकंड आएगा तो 1100 रुपया दूंगा उसको। और गेम के बारे में जितना कोई भी कुछ कह देता है हमको, कहेगा कि भैया कबड्डी कराना है, पूरा सहयोग उसका करते हैं सर, क्योंकि मैं जो उस ग्राउंड में था जहां से खेल के आया हूँ उसी के वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, जो ग्राम प्रधान खालिसपुर, उस ग्राउंड की वजह से ही हूँ सर। 2008 से लेके मैं आज तक ग्राउंड कभी छोड़ा नहीं, हर समय जाता रहता हूँ सर वहां पे, उस ग्राउंड की वजह से खेले हम लोग, उसी की वजह से भर्ती हुए हम लोग, उसी की वजह से नेशनल खेले हम लोग वहीं पे। अगर ग्राउंड नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता सर लोगों के लिए, इसलिए बच्चों के लिए खेलने के लिए जो भी कोई भी कुछ कहेगा करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ हर समय, भले ही मेरे को कुछ भी करना हो उसके लिए सिस्टम है। भले ही सरकार के फंड से भी ना हो लेकिन करना। सर सरकार का फंड को तो छोड़ दीजिए, सरकार का फंड तो अभी ना आ रहा होगा हमको 2.5 साल में। अब इससे पहले मैं 2008 से रिटायर हूँ, पहले भी जब था मैं, कोई लड़का आ गया हमारे पास तो मना कर ही नहीं सकता हूँ गेम के मामले में, तो मना कर ही नहीं सकता हूँ, भले कुछ हो जाए, कहीं जाए खेलने के लिए, वो लोग जो सहयोग वगैरह दिया जाएगा। दोस्तों एक युवा ग्राम प्रधान मैं कहूं, और जिस तरीके से ये बता रहे थे खिलाड़ी के तौर पे भी काफी अच्छे रहे, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा जो भी दर्शक मुझको देख रहे हैं, जो भी खिलाड़ी मुझको देख रहे हैं, अगर ऐसी कुछ जरूरतें भी हैं आप पर, जो भी और गाँव के लोग देख रहे हैं, मैं राजेश जी के पास खड़ा हूँ, मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं और मदद होगी आपकी, ऐसा नहीं कि खालिसपुर के बच्चों के लिए ही होगी। एकदम, कहीं भी सर, कहीं भी होगा गेम के मामले में, कोई भी कहीं कुछ होगा, जितना सहयोग होगा उतना किया जाएगा। दोस्तों मैं अगर बता दूं, गाजीपुर जिले में एक बड़ी नजीर पेश की है, और मैं लगातार मैं वीडियो करता हूं, ये आपसे छूता नहीं है, बड़े बड़े गांव के प्रधान, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े बड़े लोगों से आप परिचित होंगे, लेकिन राजेश जी ने जो बात की, दिल से जो बात निकलती है वो सामने आज कैमरे पर इनकी जुबान से वो झलक रहा था। अंतिम बार अगर मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूं, गांव के लिए कुछ ऐसा सपना राजेश सिंह ने देखा हो यार, कभी मौका अगर मिला, महादेव ने वो मौका दे दिया और उसको भी पूरा कर दूं, एक ऐसा लिख दूं पटल पे, एक गांव के लिए पटल पे राजेश सिंह लिख दे कि गांव हमारा बड़ा हो जाए, गांव का नाम हो जाए। दो काम सर मेरे ध्यान में है और पूरा कोशिश करूंगा कि हो जाए। एक, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाना है हमको, डिजिटल लाइब्रेरी, और 90% मैं जो बात कहता हूँ करता हूँ, लाइब्रेरी बनाना मेरे बस की बात है, उसको मैं करूंगा। और कोशिश ये किया जाएगा, अभी भी हम लोग जैसे बात होती है, स्कूल जो हमारा इंटर कॉलेज का ग्राउंड है जिसमें आप भी NCC किए हुए हैं, हम लोग का उसमें जमीन अगल बगल हमारे पास है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरह छोटा सा भी एक अगर स्टेडियम बन जाता है हमारे गांव में तो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, बगल के और बहुत बढ़िया रहेगा, और जमीन हमारे पास है, कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग, अगर भगवान चाहेंगे तो बनेगा। लेकिन लाइब्रेरी तो बनवाना है, हम बनवाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी हम बनवा सकते हैं, स्टेडियम नहीं बनवा सकते हम, लाइब्रेरी हम बनवा सकते हैं। बस दो ही सपना हमारा है, एक लाइब्रेरी और एक स्टेडियम। दोस्तों आज मैं दिल से बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं जिस तरीके से मैं आया, इनसे मिला, बात करने का तरीका, या हम लोग भी लगातार मैं आप मुझे देखते हैं, लाइब्रेरी की इन्होंने बात की, बहुत से गांव के प्रधानों के पास मैं गया, मेरी बात को आप अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन सरकार की बात होती है, फंड की बात होती है, फंड बना नहीं, गांव हमारा छोटा है, लेकिन राजेश सिंह ने कहा कि सुशील भाई जितना राजेश सिंह ने कहा है उस काम को पूरा किया है। लाइब्रेरी की बात की, जिस दिन लाइब्रेरी का होगा निर्माण, सुशील तिवारी आपको मिलेगा इस गांव में। मिनी स्टेडियम की भी बात की, जो सपना देखा है वो स्वप्न जरूर ये खालिसपुर के लिए पूरा करेंगे। राजेश जी आपको आने वाले समय में चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
कि आप के माध्यम से मैं अपनी बात बता पाया, और फिर से कह रहा हूं कि मेरा सपना एक ही लग रहा है, अधूरा रह पाएगा, हो सकता है कि हो भी जाए, स्टेडियम वाला। क्यों? स्कूल की जमीन है, इसके वजह से दिक्कत है। अगर हमारे पास बाढ़ रहित पूरा इलाका है, इसलिए जमीन हमारे पास नहीं है ऐसा कि मतलब हम लोग बना देने, तो हम बना देते उसको, मनरेगा से बना देते हैं, मनरेगा से उसको बना दिया गया होता, लेकिन चूंकि है नहीं हमारे पास जमीन उतना, मतलब जब भी होगा गंगा किनारे है, इसलिए नहीं बना पाएंगे। और स्कूल से हम लोग लगे हुए हैं, काफी लोग लगे हुए हैं, हमारे चाचा लोग हैं, मतलब जिसे मैनेजमेंट में जो भी है, हम भी मैनेजमेंट में स्कूल के। अगर स्टेडियम हमारा बन जाता है तो पूरे सपने हमारे पूरे हो जाएंगे। नहीं, लाइब्रेरी तो आपको बता रहे हैं भाई कि हम बनवाना है, बनवाएंगे ही, मतलब उसमें हम जो कहते हैं बनवाएंगे उसको। हॉस्पिटल की बात हुई थी, हॉस्पिटल पर आए हम लोग, और लाइब्रेरी बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा बस की बात है, मतलब उसको करेंगे हम, वो करना है। हाँ जी, उसको करना है, लाइब्रेरी बनवाया जाएगा। अगर अपने पथ पर, अपने रास्ते पर ईमानदारी से अगर हम कार्य करते हैं, जरूर ग्राम प्रधान के तौर पे दोस्तों सच में ये बहुत बड़ी नजीर है। जो भी लोग देख रहे हैं जरूर इसे देखें, मिलेंगे फिर एक बार, मिलेंगे इस गांव के बारे में जब भी वैसे कार्य होंगे, मैं दिखाऊंगा, मेरे वीडियो को आप देखें।